मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम बी कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मेरा ये पहला क्लास है, क्लास 9, जो कि चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है टॉपिक आपका 9th में तो है ही और 10th से टोटली रिलेटेड है, इसीलिए और मैंने इस पर जोर भी दिया है। दोस्तों, आप लोगों को पॉलीनोमियल्स, ये टॉपिक अलजेब्रा का है, ये पहले समझ लीजिए। मैथमेटिक्स का बहुत सारे ब्रांचेस है, जिसमें ये पॉलीनोमियल्स जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये पॉलीनोमियल जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये समझ जाओ, ठीक है ना। तो कैसे इसका हम पॉलीनोमियल पढ़ाने से पहले आपको हम 2-3 चीज जो आप पहले से जानते हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं, क्लास 6 में जहां तक भी पढ़ ली होइएगा, तो पॉलीनोमियल जो टॉपिक है, पॉलीनोमियल्स, वो तीन टर्म जो है पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं क्या होता है। पहला टर्म है दोस्तों कॉन्स्टेंट क्या होता है। दूसरा जो है दोस्तों वेरिएबल्स क्या है। और तीसरा जो टर्म है दोस्तों, ये बहुत अच्छा चीज है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले मैं इस तीनों चीज को आपको डिफाइन करूंगा क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद आप पॉलीनोमियल्स पर हम जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट क्या है, तो इसका डिफिनेशन आपको न रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट क्या होता है वो समझना है आपको। वैसे मैं आपको डिफिनेशन भी बता दे रहा हूं, अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। अ सिंबल मतलब टू, एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, टू ये एक सिंबल है जिसको मैथमेटिकली सिंबल बोलते हैं, ठीक है। इसका टू है, फिक्स वैल्यू है, टू के बदले मैं 3 नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद 4, ये सब क्या है, फिक्स वैल्यू है। 0, 1, ये सब क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो हमने क्या बताया दोस्तों अभी, अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट, समझ गए। फिर अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, 3 बार मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। पहला क्या बोले हैं, अ सिंबल हैविंग फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट, जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी हो, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है दोस्तों वेरिएबल्स क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन वही है, बता देता हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए। अ सिंबल हैविंग असाइन डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स। मतलब एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, हर एक देखिएगा आप लोग इक्वेशन सॉल्व किए होइएगा, क्या देखते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, ठीक है। जैसा इक्वेशन रहता है उस हिसाब से इसका वैल्यू निकलते जाता, मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू जो है इसका फिक्स नहीं होता है। जेड ए बी सी ये सब लिख लिए, ये सब क्या हो गया मेरा वेरिएबल्स, समझ गया, वेरिएबल्स हो गया, समझ गया इतना। उसके बाद जो है दोस्तों अलजेब्रिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी आप पहले समझ गए। अलजेब्रा बहुत सारा, अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब बहुत सारे चीज आपने पढ़ लिया पहले, ठीक है ना। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोले हम, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म विथ ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। क्या बोले हम, एक बार और बोल देते हैं, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म विथ ऑपरेशन। आपके पास मैथमेटिक्स में 3 ऑपरेशन जानते, 4 ऑपरेशन जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं दोस्तों, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टर्म विद द ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड एडिशन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन उसको हम बोलते हैं। हम देखो एक्स प्लस 5, एक्स यहां पर क्या है, वेरिएबल टर्म है, 5 क्या है यहां पर दोस्तों, कॉन्स्टेंट टर्म है, 5 क्या है यहां पर दोस्तों, कॉन्स्टेंट टर्म है, दोनों जो है क्या
कंबाइंड है किससे, एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्लस, ये अल्जेब्रिक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जो है जुड़ा हुआ है प्लस से, मतलब x प्लस फाइव जो हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या हो गया x प्लस फाइव जो मेरा क्या हो गया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो डिफिनेशन में मैंने क्या बोला था, कंबिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद द ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ गए। फिर अगर हम दूसरा बोलते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल टर्म, फाइव एक्स वेरिएबल टर्म, टू कॉन्स्टेंट टर्म्स, किस चीज से जुड़ा हुआ है प्लस से, मतलब ऑपरेशन से आ गया ना, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या हो गए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक्स बाई फाइव, ये भी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ गए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपके क्लास नाइन्थ का ये टॉपिक पॉलीनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में बता, ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप मुझे भेज सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो, मगर जिस तरह से मैंने पढ़ाया है बताया है आपको, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों पॉलीनोमियल्स किसको बोलते हैं, पॉलीनोमियल को समझना है बहुत 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 सिंपल तरीका से मैंने बता देता हूं, वैसे आपको बुक में देखिएगा तो बहुत सारे आप बहुत लेंथी प्रोसेस से बताया गया है, उसका जो है लैंग्वेज है थोड़ा, ठीक है, और मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका से आपको बता देता हूं क्या होता है, कुछ नहीं देखना आपको, जब भी पॉलीनोमियल कहेगा ये पॉलीनोमियल है कि नहीं, कैसे समझेंगे ये पॉलीनोमियल है या नहीं है, इसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोले हम, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज ऑलवेज होल नंबर, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो है क्या हो पावर ऑफ वेरिएबल टर्म को हमको देखना, द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा पावर ऑफ वेरिएबल टर्म ऑलवेज होल नंबर, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहला क्या होगा पावर ऑफ वेरिएबल्स टर्म ऑलवेज होल नंबर, याद रखना, कहेगा कि पॉलीनोमियल है कि नहीं, कैसे समझेंगे कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलीनोमियल है कि नहीं, तो क्या करेंगे हमको कुछ नहीं देखना है, पावर देखना है, कोई भी वेरिएबल टर्म का पावर को देखना है, अगर वो होल नंबर हो गया मतलब होल नंबर मतलब जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, यही ना होता है होल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर के परिवार जो फैमिली में जो है हम क्या करते हैं जीरो का ऐड करते हैं वही ना होल नंबर हो जाता है, तो यही है आपका सिंपल प्रोसेस, समझ गए ना, पावर ऑफ वेरिएबल टर्म ऑलवेज होल नंबर, एकदम शॉर्ट तरीका में, एकदम कोई भी पूछे आपको तो यही कहिएगा द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म ऑलवेज होल नंबर, समझे ना, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स ऑलवेज होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलीनोमियल, जैसे आपको बता दिए मैंने आपको। चलिए पॉलीनोमियल पहचानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ वेरिएबल टर्म ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, जैसे आपको बोलेगा ये पॉलीनोमियल है कि नहीं, फाइंड इट, कैसे आप फाइंड इट, हमको कुछ नहीं देखना है, दुनियादारी कुछ से किसी से मतलब नहीं, हमको मतलब है क्या वेरिएबल टर्म हम देख रहे हैं, उसका पावर देखना है, पावर क्या है टू है, होल नंबर है, इट मींस ये हो गया पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल हो गया, ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके बाद पॉलीनोमियल भी है, क्या है इसका वेरिएबल टर्म का जो पावर है होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, कुछ नहीं देखना है हमको, वेरिएबल टर्म क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर यहां पर क्या है वेरिएबल टर्म का पावर एक है होल नंबर है, इट मींस क्या हो गया ये पॉलीनोमियल है, ठीक है ये पॉलीनोमियल है। फिर से देखो
दोस्तों रूट एक्स प्लस फाइव ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, आपको तो दिख रहा क्या वेरिएबल टर्म है यहां पर, इसका पावर तो नहीं पता है, इसको तोड़ेंगे हम, क्या करेंगे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम क्या लिख सकते हैं रूट जो रहता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखते हैं कि नहीं प्लस फाइव। अब देखो दोस्तों यहां पर पावर ऑफ वेरिएबल टर्म क्या है, 1/2 है, क्या है 1/2, ये होल नंबर है 1/2 होल नंबर है, बताओ होल नंबर है नहीं ना, तो होल नंबर नहीं है मतलब रूट एक्स प्लस फाइव हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, समझ गए। इस चीज को एकदम गाना के मान लीजिए, क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं किसका ही पर देखना है, वेरिएबल टर्म अगर होल नंबर है तो मतलब पॉलिनोमियल है, वेरिएबल टर्म अगर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार और देखिए इसको, और सारा एग्जांपल दो तीन एग्जांपल लेके हम दिखा देते हैं आपको। अगला एग्जांपल देखो, एक्स टू दी पावर 2 4/5 प्लस 5, अब आपको कहेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पहचानने के लिए टू एक्स टू पावर 4/5 प्लस 5, इसका पावर क्या है 4/5, 4/5 मतलब क्या होल नंबर है, कभी भी वेरिएबल टर्म का पावर होल नंबर है नहीं है मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और समझ लीजिए इसमें, थोड़ा हम बता देते हैं उसमें, आप बताओ पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे हम करेंगे, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल, तो उसको समझने के लिए याद रखिएगा हम पॉलिनोमियल को क्या कैसे डिनोट करते हैं, पी एक्स कॉमा क्यू एक्स कॉमा जी एक्स, इसको पढ़ेंगे क्या, पॉलिनोमियल ऑफ पी इन टर्म ऑफ एक्स, मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होगा एक्स होगा, पॉलिनोमियल ऑफ क्यू इन टर्म ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ जी इन टर्म ऑफ एक्स, याद रखना उसमें जो वेरिएबल टर्म होगा वो एक्स। अब बोलिएगा सर ये भी तो एक, अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल का है जिसका वेरिएबल टर्म वन, पावर जो है वन, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो अब इसको कैसे हम डिनोट करेंगे सर, देखिए दो यहां पर वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पी इन टर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 5, दो वेरिएबल है तो दो हम लिख दिया, अगर तीन होगा पॉलिनोमियल ऑफ पी इन टर्म ऑफ एक्स वाई और जेड, तीन वेरिएबल होगा इसमें याद रखिएगा। तो हम कैसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, पी एक्स क्यू एक्स और जी एक्स, याद रखिएगा इसका डिनोट करने का तरीका है, समझे ना, पॉलिनोमियल ऑफ पी इन टर्म ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ क्यू इन टर्म ऑफ एक्स एंड पॉलिनोमियल ऑफ जी इन टर्म ऑफ एक्स, याद रखिएगा। अगर दो अगर वेरिएबल टर्म है तो पॉलिनोमियल ऑफ पी इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब क्या है दोस्तों इसको समझ गए ना अच्छा से, चलिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसी में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन थोड़ा समझ लीजिए, समझे डिफिनेशन, वैसे मैथ में तो समझते ही, डिफिनेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए, समझे, समझ गया उस चीज को तो आपको भर जीवन याद रहेगा, और डिफिनेशन याद कीजिएगा तो 2-3-4 दिन में आप भूल जाइएगा, भूलने का भी अपना एक कैपेसिटी होता है, समझे ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है आपको कह रहे इसका डिग्री क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 5x³ - 3, ये अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन के साथ साथ ये क्या है, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसका कहेगा डिग्री फाइंड करने के लिए डिग्री क्या होगा, देखो तो डिग्री फाइंड करने के लिए तो डिग्री कैसे फाइंड करिए, देखिए वेरिएबल टर्म का पावर यहां पर 2 है, वेरिएबल टर्म का पावर 3 है, तो डिग्री 3 इक्वेशन का होगा, ये जो पॉलिनोमियल है कितना डिग्री का हो गया 3 डिग्री का,
कितना डिग्री का? 3 डिग्री का इक्वेशन हो गया, पॉलीनोमियल हो गया 3 डिग्री का। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। मैक्सिमम पावर, कोई भी पॉलीनोमियल का वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर होगा वही उसका क्या होगा? डिग्री होगा पॉलीनोमियल का। समझ गए ना? जैसे हम ये एक्स प्लस फाइव इक्वेशन लेते, मतलब एक पॉलीनोमियल है पी एक्स पॉलीनोमियल है, मान लीजिए क्या है ये एक्स प्लस फाइव, इसका डिग्री क्या होगा? तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल टर्म है, ये फाइव तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका पावर क्या है? डिग्री वन का। ये जो इक्वेशन हो गया ये डिग्री और ये वेरिएबल डिग्री, जो वेरिएबल का पावर वन है तो ये जो पॉलीनोमियल हो गया डिग्री वन का हो गया डिग्री। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप आर एस अग्रवाल को देखिएगा बुक को, ठीक है, ये एक्सरसाइज वन या टू में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है आपको, ठीक है, एनसीईआरटी में भी देखिएगा। हम है ना आज ऐसा मतलब यहां तक पढ़ा सकते हैं आपको कि मतलब दो चैप्टर आप एकदम कैजुअल वे में आप इसको बना सकते हैं अच्छा से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आप मेरी वीडियो को और मैं जो बोल रहा हूं उस पर अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए? तो डिग्री निकालना समझ गए, कोई भी पॉलीनोमियल उसका डिग्री क्या होगा वो समझ गए, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। समझ गए इसको? समझ गए? और कैसे डिनोट करते वो भी समझ गए आप लोग। अब है कि टाइप्स क्या होता है पॉलीनोमियल का, क्या क्या टाइप्स होता है, ठीक है। तो पहला समझिए क्या होता है, डिग्री समझ गए, अब इसके बाद जो टर्म तो समझते ही एक दो तीन टर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलीनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलीनोमियल पहला जो है दोस्तों, ये क्या करेंगे हम, पॉलीनोमियल के दो तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया है, बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑफ डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म। तो पहले डिग्री के हिसाब से, डिग्री के अकॉर्डिंग जो होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग जो होता है तीन टाइप के होते हैं, चार टाइप, चार टाइप समझ लीजिए। पहला होता है लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है? अब पॉलीनोमियल याद रखिए, थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। इसमें क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होगा, ए पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलीनोमियल। समझ गए? लीनियर पॉलीनोमियल में क्या होगा, डिग्री वन का जितना भी पॉलीनोमियल होगा वो लीनियर होगा, जैसे एक्स प्लस फाइव, ये क्या है लीनियर पॉलीनोमियल, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या है लीनियर पॉलीनोमियल है, मतलब क्या है डिग्री क्या है इसका, डिग्री कितना का है बताओ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म क्या है, वन है, इसके लिए डिग्री कितना है, वन डिग्री का है, वन डिग्री मतलब जितना भी वन डिग्री का पॉलीनोमियल होगा वो लीनियर पॉलीनोमियल होगा। समझ गए? जितने भी वन डिग्री का पॉलीनोमियल होगा लीनियर होगा। अगला देखिए, अगला जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसको बोलेंगे, इसमें भी वही है डिफिनेशन वही है, उसी में वहां पर डिग्री वन था तो वहां पर क्या कर देंगे डिग्री टू। अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री टू इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ऐसा पॉलीनोमियल जो डिग्री टू का हो वो हो जाएगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। समझ गए? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस थ्री, इसमें क्या है, कितना डिग्री का इक्वेशन बताइए, पॉलीनोमियल है, कितना डिग्री है ये, डिग्री टू है ना, डिग्री टू, ये भी कितना डिग्री का है, डिग्री टू, मतलब सब क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। अगला सी नंबर में क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है, यानी वही चीज, वहां पर क्या लिखे थे टू तो यहां पर लिख देंगे थ्री, अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री थ्री
इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल. इट मींस एग्जांपल में आपको बता देते हैं, सी नंबर क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होगा, जो डिग्री कितना का हो, एकदम शॉर्टकट में याद रखो, डिग्री थ्री का जितना भी पॉलीनोमियल होगा, अगर डिग्री कैसे अगर डिस्क्रिमिनेट करना होगा कि क्यूबिक है या लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, हमको कुछ नहीं करना है, दिमाग में कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ एकदम डिग्री निकालेंगे, डिग्री वन है मतलब लीनियर है, डिग्री टू है मतलब क्वाड्रेटिक है, और डिग्री थ्री है मतलब क्यूबिक है, डिग्री फोर है बाइक्वाड्रेटिक है, कुछ नहीं. जब ही हमको बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू द डिग्री हमको डिस्क्रिमिनेट करना है कि ये क्यूबिक है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या बाइक्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या करना है, उसमें डिग्री फाइंड करना है, उसके बाद डिग्री वन का मतलब लीनियर, क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री थ्री का जितना भी पॉलीनोमियल होगा, अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री थ्री इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल. जैसे एग्जांपल में एक्स टू द पावर थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, अगला जेड टू द पावर थ्री फोर जेड टू द पावर थ्री प्लस वन, ये क्या हो गया आपका पॉलीनोमियल है, पावर कितना है, डिग्री कितना है, थ्री, मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया. बाय क्वाड्रेटिक क्या होगा, अगला बी नंबर बाय क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, डिग्री फोर, बाय क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री फोर, डिग्री फोर का जितना भी पॉलीनोमियल होगा, अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री फोर इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. कोई प्रॉब्लम, जैसे मतलब आप लिखते होइएगा, देखते होइएगा बहुत सारा y टू डी, बहुत सारा अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इस टाइप का देखते होइएगा, उसके बाद a टू डी पावर 5 प्लस 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 5a प्लस 3 इस टाइप का देखते होइएगा, इसमें कितना डिग्री का है, 4 डिग्री का, मतलब y क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया. सो क्या अकॉर्डिंग टू द डिग्री मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है. अगला टाइप ऑफ पॉलीनोमियल में दूसरा जो टाइप है वो है क्या, अकॉर्डिंग टू टर्म्स. अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्या होगा दोस्तों, पहला जो होगा अकॉर्डिंग टू टर्म में मोनोमियल, मोनोमियल पॉलीनोमियल क्या होता है, अ पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म. क्या बोले हम, याद रखिएगा, क्या बोले हम, अ पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म हो. कितना टर्म हो, एक टर्म हो, मतलब वो हो गया आपका मोनोमियल. जैसे जैसे एग्जांपल 3x एक टर्म है इसमें मोनोमियल्स है, फिर दूसरा 3a 2y 2a कितना टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, इसका मतलब ये नहीं लिख सकते आप, ये नहीं लिख दिए a प्लस a प्लस a, हाँ सर दो टर्म हो गए, ये नहीं, इसका पहले सॉल्व कर दो, तब 2a मतलब एक टर्म है, मतलब ये हो गया मोनोमियल्स. अब पॉलीनोमियल क्या बोले हम, डिफिनेशन फिर से अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग क्या, अ पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री वन, सॉरी अ पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, क्या बोले, अ पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ क्या, इज कॉल्ड अ मोनोमियल पॉलीनोमियल. बहुत अच्छा चीज है, इसमें जितने भी आप बहुत सारा देखिएगा, आप कहिएगा सर यहाँ पर 3x 2y 2z 5z ये सब जितने भी हो गए ये सब मोनोमियल्स हो गए, समझे ना, ये सब क्या हो गया आपका मोनोमियल्स हो गया, समझ गए. अब हम चलते हैं इसका दूसरा टाइप का, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, बायनोमियल. अ पॉलीनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल. अ पॉलीनोमियल हैविंग टू टर्म्स इस कॉल्ड ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे अभी तुरंत हम बहुत सारा एग्जांपल लिए होइएगा, वो होंगे 2x प्लस 5 दो टर्म है ना, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो दो टर्म हो गया मतलब बायनोमियल हो गया, समझ गए. अगर इसमें बताइए आप 3y प्लस 10 ये भी एक पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल आपको बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू द, आप इसको डिस्क्रिमिनेट कीजिए क्या चीज पर, अकॉर्डिंग टू टर्म्स जो है कौन सा पॉलीनोमियल है, तो हम बोलेंगे दो टर्म है मतलब बाइनोमियल्स, एक टर्म है मोनोमियल्स, तीन टर्म रहेगा ट्राइनोमियल्स. अगला देखो इसका ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, अ पॉलीनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल्स.
ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, कितने टर्म्स? तीन टर्म्स, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई माने तीन, नोमियल माने टर्म, याद रखिएगा। तीन टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल, दो टर्म्स माने बाइनोमियल्स, एक टर्म मतलब मोनोमियल। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x एंड 3x प्लस 5y प्लस 3, टू वेरिएबल्स है इसमें, याद रखें। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ p इन टर्म ऑफ x एंड y, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, कितना टर्म है, एक दो तीन, मतलब ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है ना। डिग्री का क्या है, वन डिग्री का इक्वेशन है, समझे ना, डिग्री वन का है, लीनियर इक्वेशन है। फिर बोलेगा कि कितना टर्म के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्रिमिनेट कीजिए, तो बताइएगा कि ट्राइनोमियल, समझ गए ना इस चीज को। तो इतना हो गया आपका, टाइप भी खत्म हो गया आपका आज, और डिग्री भी मैंने बता दिया आप लोगों को, डिनोट करना भी बता दिया, ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं वो भी बता दिया हमने आपको। अब अगला चीज है क्या, एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि पॉलिनोमियल पी एक्स है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक पॉलिनोमियल है, आप लोग समझते हैं ये पॉलिनोमियल है। आपको वैल्यू दे देगा कि x का वैल्यू जो है 2, 3, 5, ठीक है। इस पर जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाला, मतलब यहां पर x के बदले हम 2 देंगे, मतलब x x के जहां पर x है वहां पर वो हम पुट करते जाएंगे, ठीक है, 2 पुट करते जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है ये, आपको आर एस अग्रवाल में मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी इसका इस टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर चले जाएंगे, 4 + 5 मतलब 32 + 5 = हो गया 36 + 5 = 41। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 2x का वैल्यू अगर 2 डालने पर 41 है, इसी तरह से 3 डालेंगे, जहां जहां भी x है, जहां जहां भी वेरिएबल टर्म है वहां पर x, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल दे देगा आपको, कोई टर्म दे देगा आपको, सॉरी पॉलिनोमियल दे देगा, कहेगा एक्स का वैल्यू दे देगा, कहेगा 2, 3, 4, 5 पर निकालो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, इसके बाद जो है आपका अगला जो है सेशन वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर आएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ठीक है। तो हम बता रहे हैं क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको कहेगा जीरोस क्या होता है, पहले ये चीज समझो कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, कुछ नहीं है। उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू डालने पर अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए तो वही उसका जीरोस कहलाता है, पॉलिनोमियल में उसको जीरोस बोलते हैं। और आप 8, 7, 6 में क्या किए हुएगा, कह दिए होगा, इक्वेशन दे दिया था, कहा था कि इसका वैल्यू फाइंड करो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, लीनियर है तो एक एक्स का वैल्यू आएगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आता था, क्यूबिक था तो एक्स का वैल्यू 3 आता था, वही तो उसका जीरोस हो गया जी। यहाँ पर पॉलिनोमियल में उसका नाम क्या रख दिया है, जीरोस, कुछ नहीं है, ये नया टर्म नहीं है, पहले से ही है। क्या जीरोस मतलब, कोई भी कहेंगे कि इसका एक्स प्लस 5 का जीरोस क्या होगा, जीरो क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू ऐसा क्या चीज आने पर यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, मतलब देखो तो 1 डालने पर नहीं होगा, 2 डालने पर, 3 डालने पर, 5, 4, जीरो जो पॉलिनोमियल, समझ गए, मतलब उस पॉलिनोमियल में ऐसा कौन सा वेरिएबल का ऐसा कौन सा वैल्यू डालने पर वो पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, वही उसका जीरो, मतलब -5 जो है एक्स प्लस 5 का क्या हो गया, जीरो, समझ गए। अब मतलब याद रखिएगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ एक्स, अगर पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा अगर जीरो आ गया, मतलब अल्फा इज द जीरो ऑफ, याद रखिएगा, ठीक है, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा के बदले कुछ भी हो वो वैसे हम डिनोट करते हैं, मतलब अब देखिए एक्स माइनस 5, अब बताइए एक्स के बदले ऐसा कौन सा चीज पुट करेंगे, क्योंकि ये जो है ये अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, मतलब एक्स के बदले ऐसा कौन सा चीज, हम देखिए अभी हम 5 आ गया जीरो, मतलब 5 जो हो गया इसका जीरो हो गया, मतलब 5x का जीरो हो गया। ये तो ये से हम कर लिए, मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लिए, इसको हीट एंड ट्रायल
पुट द डेटा एंड गेट द रिजल्ट, हम जानते थे कि ये होगा, मगर आपके एग्जामिनेशन में तो आप नहीं जानते रहिएगा पहले से, आप तो उसके लिए अननोन आदमी है, ठीक है ना, आप कैसे इसको फाइंड कीजिएगा, जीरो कुछ नहीं है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन रहेगा तो जानते ही आप, आपके बुक में लीनियर इक्वेशन का जिक्र किया होगा जीरोज निकालने के लिए, 2x plus 5 दे देगा पॉलीनोमियल, कहेगा इसका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल px, समझे क्या कर देना है आपको, इसको जीरोज कर देना है, 2x plus 5 is equal to 0, 2x is equal to 5, x minus 5, x is equal to minus 5 by 2, देखिए इसका वैल्यू, ये x का वैल्यू यहां पर पुट करिए, आराम से ये पूरा जीरो आ जाएगा, मतलब जीरोज हो गया, समझ गए ना, कुछ नहीं करना है उस टर्म को, हमको जीरो से इक्वेशन एक बना लेना है, इक्वेशन जीरो से पुट कर देना है, उसका वैल्यू फाइंड कर लेना है वेरिएबल टर्म का, और तब वो जीरोस हो गया उसका, ये हो गया जीरोस निकालने का। अब आपको बोलेगा कि आपको कोई पॉलीनोमियल px इक्वल टू आपको दे दिया, मान लीजिए कोई पॉलीनोमियल आपको दे दिया क्या 4x plus 5 और दे दिया x इक्वल टू मतलब दे दिया 1, तो बताइए कि ये पॉलीनोमियल में ये px का ये जो है x इक्वल टू 1 ये इसका जीरो है कि नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर x के बदले पुट कर देना, जहां जहां x है वहां पर पुट कर देना है, अगर इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो गया मतलब जीरो है, अगर जीरो नहीं हुआ तो नहीं होगा, 4 plus 5 9 आ गया बाबू, देखो यहां पर क्या आ गया 9 आ गया, इस पॉलीनोमियल का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, नहीं मतलब अब लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, कंप्लीट, हम समझ गए। अब क्वाड्रेटिक वाला में क्या होगा, स्प्लिटिंग द थर्ड टर्म में करके आप फाइंड कर, जो कि आपके बुक में अभी नहीं है, वो पहले भी पढ़ चुके हैं आप 8 क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय द फैक्टर मेथड मल्टी, समझे ना, तो अब जो हमको लग रहा है एक्सरसाइज, जैसे आर एस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, तो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A और 2B, समझे ना, आप सॉल्व कर सकते हैं जितना मैंने बताया अभी तक, ठीक है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एकदम होना है, गारंटी हम आपको ले रहे हैं कि आप बनाइएगा ये कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट आपको थ्योरी मैंने आज बताया है उस पर 2 एक्सरसाइज आपको बनना है, और हर एक अगला जो थ्योरम मेरा रहेगा वो है अगला बता दे रहे हैं हम आपको रिमाइंडर, क्योंकि अपनी आपने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी टॉपिक है, ठीक है ना, आप मतलब क्या बोले, आप बिना लॉन्ग डिविजन मेथड का बता दीजिएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी खासियत है मैथमेटिक्स का, ये बहुत अच्छी खासियत है, रिमाइंडर थ्योरम आपको एक ऐसा ट्रिक बता देगा, एक अच्छा चीज बता देगा, जो कि आप बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर देंगे कि रिमाइंडर इतना होगा, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।